मलवा थाने के अड़ेना गोपालपुर गांव निवासी आशा देवी पत्नी हरिमोहन व पारिवारिक विपक्षियों से जमीन को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों से एनसीआर लिखी गई। थाना मलवा में आशा देवी का मेडिकल परीक्षण हेतु जनपद कौशाम्बी जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां से मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, जिससे सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। वह झगड़े के समय आशा देवी का पुत्र पवन कुमार मौके पर नहीं था, फिर भी विपक्षियों द्वारा उसका भविष्य खराब करने की नीयत से उसको भी मुकदमे में फंसाया जा रहा है, जिसमें न्याय पाने के लिए आशा देवी ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम आशा। आपके पति क्या नाम है? हरिमोहन। कहाँ की रहने वाली हैं आप? अड़ेना। अड़ेना थाना कौन सा है आपका? मलवा। अच्छा, क्या मामला है, यहाँ क्यों आई है पुलिस अधीक्षक कार्यालय? हमारे द्वारे का झगड़ा है, हमारे द्वारे से निकल रहे हैं, निकल करके फिर और जगह कहते हैं हम कयाऊ चाहिए, तो 10 फुट जगह मांग रहे हैं, तो 10 फुट में हमारे हम पर निकलने का जगह नहीं रही जाती है। तो अब क्या दिक्कत है, आप क्या चाहती हैं? दिक्कत ही की हुई जम है, पुलिस जा रही हमारे लगे, हम पर दाब दिखा रही है, तो हम एप्लीकेशन हमारा वो आ जाए मेडिकल के आप आ जाते, तो हम फिर आगे कार्रवाई करें।